नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हाल के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो दिल्ली का जो नतीजा रहा उसने सबको चौंका दिया। आप पार्टी की शानदार सफलता ने सबको हैरान कर दिया और कुछ लोगों को परेशान भी कर दिया। लोगों को लग रहा था कि साल छह महीने पुरानी ये पार्टी आखिर दिल्ली में इतनी सीटें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आखिर कैसे आ गई। लोगों को लगने लगा कि धनबल और बाहुबल के बिना भी चुनाव जीते जा सकते हैं। लोगों को यह भी लगा कि एक आम आदमी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है और जीत के दिखा सकता है। विश्लेषक ये कह रहे हैं कि लोगों को ऐसा भी लगने लगा है कि एक नई राजनीति का कहीं आगाज हो रहा है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है और राजनीति में भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक्टिविज्म से पॉलिटिक्स नहीं चलती, गवर्नेंस और एक्टिविज्म दो अलग अलग चीजें हैं। आखिर क्या हम माने, क्या वाकई ये नई राजनीति का एक उदय है, आगाज है? आइए जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जनता जनार्दन भी है और हमारे विशिष्ट मेहमान भी यहां बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ यहां मीम अफजल साहब बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है मीम साहब। अमन सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है। अमरजीत कौर जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और सीपीआई के नेता, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यहां अजीत झा साहब बैठे हुए हैं जो कि आप पार्टी से आते हैं। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रमोद जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ एचके दुआ साहब हैं, सांसद और वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है। और संजय कुमार हमारे साथ हैं, चुनाव विश्लेषक सीएससीएस से आते हैं। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर आइए ये जो जनादेश जो कुछ कह रहा है, क्या ये वाकई एक नई